नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राजेश सिंह तंदूरी और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह बाबा केदारनाथ की यात्रा की एक नई वीडियो और मौसम का अपडेट और यात्रा का अपडेट। आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई के सुबह के टाइम पर देख सकते हैं पूरी जो केदार वैली है उसमें पूरा कोहरा छाया हुआ है। रात को हल्की हल्की बारिश हुई, हालांकि अभी बारिश कम है और इससे पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई। ये देख सकते हैं आप पूरा जो एरिया है यहाँ से ऊपर केदारनाथ का, छोटी लेंचुली, बड़ी लेंचुली, पीछे करोड़चट्टी वगैरह वगैरह हर जगह पूरा फॉग लगा हुआ है हर जगह। और नीचे की साइड भी आप देख सकते हैं यहाँ से विजिबिलिटी कुछ नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ा रामबाड़ा तक हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, मगर ऊपर सब जगह से मौसम पैक हो गया है। तो आप लोग वीडियो में बने रहे और देखते हैं शाम तक कैसा रहता है, दिन में शाम तक में मौसम और यात्रा कैसी रहती है। तो मिलते हैं आपको वीडियो में आगे। भाई सब कहाँ हैं आप लोग? उत्तरकाशी के जगह पे बड़कोट बड़ी क्या देवी जी भोलेनाथ कटेश्वर महादेव। अच्छा, तो उत्तरकाशी बड़कोट से कटेश्वर महादेव भोलेनाथ जी की डोली भी बाबा केदार के धाम जा रही है। भोलेनाथ से मिलने के लिए जा रहे हैं और भक्तों का तांता देखिए साथ में। पूरे जो हमारे पहाड़ों में ऐसा होता है ना कि जब डोलियाँ होती हैं वो जाती हैं तो पूरा गांव और सभी लोग जो होते हैं के इलाके के तो सब लोग डोली के साथ तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। तो यहाँ आज यहाँ पे उत्तरकाशी बड़कोट से डोली बाबा के धाम जा रही है, बाबा भोलेनाथ की ही डोली बाबा भोलेनाथ के धाम जा रही है, क्योंकि केदार धाम जो है वो मोक्ष धाम है और मोक्ष धाम में सभी को जाना पड़ता है, चाहे बाबा हो चाहे माँ हो, हर किसी को जाना ही पड़ता है उस मोक्ष धाम में। तो इसलिए आज यहाँ पे डोली भी जा रही है और मौसम आज काफ़ी सुंदर है और बाबा केदार की ही ऐसी कृपा होती है कि जब ऐसे विशेष कोई बड़ी शक्तियाँ ऐसे तीर्थ यात्रा करती हैं तो मौसम अपने आप ही शांत हो जाता है। और यहाँ देखिए आज अभी तक सुबह से बिल्कुल मौसम मस्त बना हुआ था और बूंदाबांदी तक नहीं हुई, हालाँकि फॉग लगा हुआ है ऊपर, मगर बाबा केदार का स्वागत, बाबा कटेश्वर महादेव का स्वागत और हल्की हल्की बूंदाबांदी से हो ही रहा है मगर फिर भी मौसम एकदम मस्त बना हुआ है। तो ये होती है देवताओं की जो, भगवान की जो शक्ति होती है तो वो ऐसे ही टाइम पे देखी जाती है। तो अभी देखते हैं शाम तक कैसा रहता है मौसम और यात्रा। वैसे यात्री लोग तो काफ़ी कम होंगे, माइनस में जाने वाली है यात्रा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1-2-3 दिन बाद, तो अभी शायद प्लस में तो है, अभी 9.7-8.9 के लगभग है, % के लगभग यात्रा चल रही है। तो यहाँ देखिए अपने पास भी एक भाई साहब आए हुए हैं, ये तो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं और भाई साहब के लिए अभी मैगी बनाता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ आज दिन भर का आपको फिर से।
जय हो माँ भगवती। तो ये देखिए, आज की तीसरी डोली बाबा केदार के धाम जा रही है। एक बार पहले लगभग 11 बजे के टाइम पे थी और भोलेनाथ की ही डोली थी वो महादेव की, और अभी भी दो डोलियां और गई केदारनाथ। तो ये जो महीना होता है सावन का महीना, और ये अधिक मास मल मास जा रहा है, तो इस महीने देवी देवताओं का जो देवरा निकलता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तो हर दिन यहाँ पे केदारधाम जाते ही रहते हैं देवी देवता, मगर मौसम कभी कभी थोड़ा साथ नहीं देता। भले आज तो बहुत साथ दे रहा है, आज तो जितने भी जा रहे हैं। और यहाँ देखिए, ये जा रहे हैं केदारनाथ में, ये एंगलोगरा जा रहे हैं केदारनाथ में, जो कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। मगर यहाँ देखिए, इनके साथ सामान वाले घोड़े भी हैं, मगर इनसे तंगी तो होती रहती है घोड़ों के साथ। इन ऐसे जानवरों से ऐसे चलते हैं, इनको ना पकड़ने के लिए ले जाते हैं, चार पांच छः छः घोड़े एक एक आदमी ले जा रहा है। तो देखिए, इससे प्रॉब्लम बहुत होती है, ऐसे लगता है वैसे कि ऑक्सीजन में कुछ परेशानी नहीं होंगी रास्ते में, मगर आजकल कभी कहीं 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 पे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जहाँ पे ये माल के घोड़े 10-10, 12-12 एक एक आदमी लेके जा रहा होता है। तो दोस्तों देखिए, दोस्तों मौसम अभी ऐसा ही बना हुआ है, बाकी इनका तो ये है ही, ये कभी तो मानने वाले हैं नहीं घोड़े खच्चर वाले जो भी हैं ये लोग। और मैं खास करके जो मालिक लोग होते हैं नीचे में, वो सामान के घोड़े ऐसे ही भेजते रहते हैं यहाँ पे, बस उनको तो पैसे से मतलब है, पर आदमी तो देंगे नहीं, बस एक आदमी को पकड़ा के देंगे चाय पानी के 150 रुपये, और वही ले जाता है, फिर रास्ते में ऐसे तंगी करता है। यहाँ इतना परेशानी होती है ये सामान के, जब ये बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन का काम जा रहा होता है, यात्रियों को क्या, हर किसी को बहुत परेशानी होती है। मगर यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर भी देखिए, ये ऐसे ऐसे जा रहे होते हैं, मगर इनको पूछने वाला ये बोलते हैं, इनका किसी ने पूछ लिया तो ये बोलेंगे कि हमको तो गवर्नमेंट का आदेश है, माना कंस्ट्रक्शन होना चाहिए केदारनाथ में, सब कुछ होना चाहिए, पर इनके लिए रूल कहाँ है। यहाँ देखिए, ये खाली घोड़े, यहाँ देखिए कितना परेशान है आदमी, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये है यहाँ का मिजाज। अब इनके इतने घोड़ों के साथ 10 घोड़े जा रहे हैं, 10 घोड़ों के साथ 2 ही आदमी जा रहे हैं। अब ये देखिए कि कैसे करके ये ऐसे हो रहा है यहाँ पे काम, केदारनाथ यात्रा की परेशानियाँ। फिर बोलते हैं कि मगर इनके जो मालिक है ना, इनको कोई पता ही अता पता ही नहीं होता है, क्या 10 घोड़ों का एक ही मालिक है क्या, 2 ही बंदे हैं उसने रखे हुए। तो यही प्रॉब्लम है, इसको शासन प्रशासन भी नहीं समझता है यहाँ पे, बाकी हम लोग इसके पीछे चिल्लाते रहते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये बिना आदमी के ऐसे सवारी वाले घोड़े ऐसे दौड़ रहे हैं यहाँ पे। अब ये कहाँ चलेगा जानवर, इसको तो पता ही नहीं है, इसको आदमी नहीं है यहाँ पे, ट्रेन आदमी होता है, जान बुद्धू जैसा इंसान होता है इनके साथ चलते, बहुत सारे लोग ऐसे बुद्धू होते हैं, उनको अपने साइड का नहीं पता होता है, जानवर को कैसे पता चलेगा, बहुत मुश्किल है दोस्तों। बाकी आप लोगों को दिखा ही रहा हूँ मैं, अभी मौसम ऐसा ही है, ऊपर ऊपर तो ठीक है मौसम, आज बहुत खुशनुमा है, मगर तो देखिए दोस्तों, शाम के लगभग 7:45 का टाइम हो रहा है अभी, और मौसम देख सकते हैं सब जगहों से कोहरा छा गया है, और यात्रा भी कम कमी है चल रही है। आज ज़्यादा देव डोलियाँ ही केदारनाथ गई, और उनके साथ ही जो लोग देवरा यात्रा पे वही लोग ज़्यादा जा रहे थे केदारनाथ धाम में। और इस समय देखो लाइटें भी खुल गई हैं, क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी शून्य सी लग रही है हर जगह, और थोड़ा सा नीचे की साइड जो वैली है नदी के किनारे किनारे की साइड उधर ही है, ऊपर ऊपर तो चोटियों पर हर जगह विजिबिलिटी शून्य हो जाती है इस धुंध में, और दिखता कुछ भी नहीं है। और तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, और कल के वीडियो में फिर कल के मौसम, कल की यात्रा के बारे में एक्सप्लोर होगा। तब तक के लिए आप सभी को जय बाबा केदार।